तो फाइनली गाइस हम लोग रोहतांग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे क्या बताओ कि यार बहुत ज्यादा ठंडी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों आज हमारा डे टू मनाली में और अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, ठीक है। एंड आप लोगों को एक बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मनाली में है हम लोग इस वक्त एंड मॉर्निंग के टाइम जबरदस्त फॉग होता है एंड काफ़ी ज़्यादा चिल्ड क्लाइमेट है, तो उसको आपको दिखाता हूँ यार बाहर का नज़ारा क्या बेहतरीन दिखता है। जस्ट लुक एट द क्लाइमेट फ्रेंड्स, यार मतलब पहाड़ जो है ना वो पूरे जो है बादलों से ढक गए हैं। जो फॉग हम लोग बोलते हैं ना, जो क्लाउड होता है सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा, मतलब कैमरे में तो शायद वो लेवल का नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो मेरी आंखें देख रही है ना इस वक्त वो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, इतना क्लियर नज़र आ रहा है। और हल्की हल्की बरसात भी हो रही है, ठीक है। तो यार इतनी ठंड होती है यहाँ पे बरसात में भी ना, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है, बाहर जाना भी मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग जाएंगे बाहर और आज हम लोग दो जगह जाने वाले हैं। वो दो जगह क्या है वो आपको आगे इस ब्लॉग में पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है मनाली के अंदर, मनाली के आसपास कुछ जगह है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यूसली बने रहना क्योंकि यार आप लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा और एक्साइटमेंट दोनों ही आने वाला है इस ब्लॉग के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। हे गाइस, तो फाइनली अभी हम रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुका हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो यार एकदम अच्छे से तैयार हो चुका हूँ। बेड वगैरह अभी थोड़ा सा मेसी है जैसा कि आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पूरा, क्योंकि अभी हम लोग सो के उठे, क्लीन हमने किया नहीं है तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। बट यहाँ पे अभी टेंशन नहीं है क्योंकि और एक दिन और रुकने वाले हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज होटल का कुछ टाइमिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो 10 बजे के पहले नाश्ता कर लेना है हमको। तो अभी जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने। नाश्ता जैसे करेंगे उसके बाद हमारी जो कैब है वो आ जाएगी और सीधा हम लोग निकलेंगे दो ब्यूटीफुल लोकेशन पे, और आपको वो लोकेशन जो है रिवील हो जाएगा इस ब्लॉग के थ्रू। आप लोग बने रहना इस ब्लॉग में, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटमेंट होने वाला है। गाइस देखते हैं कि क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। दिस इज़ ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स भी है यहाँ पे, एंड ये जो है, अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट चीज़ है, बॉइल्ड एग, प्रोटीन का सोर्स मिलेगा। एंड दिस इज आई गेस ये क्या है, उपमा है क्या? ये उपमा है। एंड ये क्या है, दही है? दही है। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। सबसे पहले हम लोग जाने वाले रोहतांग पास, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। वहाँ पे उम्मीद ये की जा रही है कि शायद बर्फ़ देखने मिले, चलो जाके देखेंगे कि बर्फ़ है कि नहीं। एंड मेरी फैमिली भी पीछे आप देख सकते हो, सब रेडी हो गए, ठीक है। तो अभी जस्ट जा रहे हैं, ठीक है। देखो तो अभी हम जा रहे हैं, हमारी कैब भी आ चुकी है एंड ये सामने हमारी कैब रुकी हुई है। एंड ये कैब में ही हमको बैठना है। बारिश आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा, ये हमारे होटल के बाहर का लोकेशन है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। तो चलो आगे देखते हैं बारिश होगी कि नहीं या फिर स्नो देखने मिलेगा कि नहीं। तो चलो सबसे पहले बैठते जाके। तो यार एक्चुअली हम लोग को जो रोहतांग पास जाना है वहाँ पे ठंड बहुत है और साथ में बारिश बहुत है, तो ये जो हमने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं वो वहाँ पे भीग जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए एक शॉप में, यहाँ पे हम लोग जो स्पेशल कपड़े होते हैं जो बारिश से ठंड से हमें बचाएगा वो वाले कपड़े यहाँ पे हम लोग पहनने वाले, ठीक है। तो हम सब कपड़े यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कपड़े हमें सिलेक्ट करने हैं, इसमें से जो भी कपड़ा है पहनता हूँ, उसके बाद आपको आगे मिलता हूँ।
सो फाइनली गाइस हम लोग रोहतांग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे क्या बताओ कि यार बहुत ज्यादा ठंडी है। हम लोग को पूरा यहाँ पे जो भी कपड़े हैं, ग्लव्स वगैरह सब पहनने पड़ रहे हैं क्योंकि इतना ठंडी है यार। मेरे को तो लग रहा है माइनस में टेम्परेचर आ गया है। तो दी कैसा हाल है, कैसी है ठंडी? बहुत ज्यादा ठंडी है यार, क्या बताओ। लिटरली मतलब इससे ज्यादा ठंडी प्लेस में मैं आज तक नहीं गया हूँ। एंड यार सबकी हालत खराब है, संदीप भी आता है सेल्फी निकालने के चक्कर में। हमारी मैडम देखो वहाँ चली गई। एंड ये जो नजारा है ना आपको पीछे दिख रहा होगा, दिस इज द रोहतांग पास। यहाँ पे लोग ऊपर भी जाते हैं थोड़े सा, और अगर आप नवंबर दिसंबर के टाइम आएंगे तो आपको बर्फ भी देखने मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल बर्फ नहीं है। बारिश बहुत ज्यादा है यहाँ पे जिसके से टेम्परेचर इतना डाउन हो गया। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी है कि यार बिना टोपी बिना मास्क के हम लोग कुछ यार चल भी नहीं पा रहे यार, इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। क्या बताऊँ मैं, बहुत ही जबरदस्त ठंड लग रही है, मजा भी आ रहा है आप लोग जैसा कि आप देख पा रहे हो यार। और संदीप भी आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है, ठंड का मजे लेते हो, बहुत आनंद आ रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है बस इस ठंड को लेके मुंबई चले राहुल के साथ, बहुत ज्यादा जरूरी है मुंबई के लिए। मजा एंजॉय तो करना ही पड़ेगा। और गाइस ये है हमारा रोहतांग पास जो कि आपको दिख रहा होगा, पूरा ओपन फील्ड एक्चुअली, और पूरा यहाँ पे बर्फ होता है। एग्जैक्टली अगर आप विंटर सीजन में आओगे लाइक नवंबर दिसंबर के एंड में आओगे तो आपको पूरा यहाँ पे बर्फ देखने मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी भी हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि खासकर हम मुंबई वाले को यार ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि हमने ज़्यादा ठंड देखी नहीं होती है, बट जो नॉर्थ साइड ऑलरेडी रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है। तो गाइस अभी फाइनली आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि हम जो रोहतांग पास में है ये लगभग माना जाता है सी लेवल से कुछ 18,000 फीट की ऊंचाई पे, लगभग 18,000 फीट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। और नॉर्मली हम लोग जो मुंबई में रहते हैं काफ़ी कम उसका जो हाइट होती है, और हम लोग जहाँ पे होटल में स्टे किए थे मनाली में वो जो हाइट थी वो 6,000 फीट थी, यानी कि मनाली के होटल से हम लोग लगभग तीन गुना ज़्यादा हाइट पे आए 18,000 फीट पे। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब संदीप या तो बिना टोपी का घूम रहे क्योंकि उनको आदत है दिल्ली में रहते हैं, उनको आदत है ठंड की, लेकिन यार हम लोग को बिल्कुल आदत नहीं है। तो यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और लाइफ में यार इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि ठंड मुझे मिली होगी, काफ़ी पीस मिल रहा है यहाँ पे, मजा भी आ रहा है। गाइस फाइनली रोहतांग पास हम लोग ने बहुत ज़्यादा घूम लिया, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। इसके लिए हम लोग वो टॉप पे हमको जाना था, वो टॉप माउंटेन आपको दिख रहा होगा वहाँ पे हमको जाना था, लेकिन वहाँ पे हम नहीं जा रहे बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है। और हमारे साथ एक्चुअली एंजल भी है जो कि काफ़ी छोटी है तो उसको छोड़ के हम नहीं जा सकते वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग एंड कर रहे हैं, अभी हमारे सामने गाड़ी दिख रहा है आपको, ये गाड़ी पे हम बैठने जा रहे हैं। और ये जो रोहतांग है यहाँ से हम निकल रहे हैं, फिर आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी, तो आप बस बने रहना हमारे साथ इस ब्लॉग में। गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं सोलांग वैली, एंड सोलांग वैली में भी बहुत जोरों से बरसात है। भैया से हमने पूछा तो भैया ने बोला कि आज पूरा रिकॉर्ड टूट गया है, बहुत ज़्यादा बारिश है आज। और यहाँ पे सोलांग वैली में एक्चुअली पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होता है, बट आज के दिन सब बंद है बिकॉज ऑफ रेन, तो आज हमारा कहीं जाना नहीं होगा, आज यहीं पर हम लोग थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बारिश बहुत है, इसके लिए आपको मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज कैमरा भीग जाएगा, ठीक है। तो यही है सोलांग वैली, ठीक है, दिस इज़ द सोलांग वैली, आपको दिख रहा होगा सामने, संदीप भैया भी दिख रहे होंगे आपको। तो ये रहा सोलांग वैली, और ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा देखा जाए तो, बस लोग यहाँ पे आते हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा भैया का दुकान है यहाँ पे जो कि मैगी वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, अंडा मैगी अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो। पीछे पहाड़ी दिख रही है, बहुत ही बेटर दिख रही है, अच्छी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो व्हीकल्स खड़े हैं, तो जो टॉय वाले होते हैं यहाँ से आप व्हीकल्स भी ले सकते हो और ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठंड बहुत है यार, इसके लिए मतलब हालत ख़राब हो रही है। और ये हमारे डॉगी है यार, पीछे पड़ गए, अरे यार रहने दे आज, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। और आपको अगर बताओ यार, अगर हम कैब भी निकाल रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है,
और ये यहाँ से मेन रोड है और हमारा जो होटल है यहाँ से लगभग 40 मिनट्स दूर है, नॉट किलोमीटर, 40 किलोमीटर्स दूर है। तो अभी बस यहाँ से आसपास थोड़ा देखेंगे, फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, कुछ खाएंगे यार गर्मा गर्म मैगी वगैरह, एंड उसके बाद सीधा घर के लिए निकलेंगे एंड सीधा वहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहो हमारे साथ। तो गाइस यहाँ पे सोलांग में बहुत ज़्यादा बारिश है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो जो पैराग्लाइडिंग वगैरह हम नहीं कर पा रहे। एंड यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मैगी खाने वाले। देखो यहाँ पे बहुत भीड़ है, बाकी हमारी फैमिली बैठी हुई है पीछे की तरफ, आप देख पा रहे हो, एंड बाकी जो है मैगी की प्रिपरेशन वहाँ हो रही है। चलो थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। ये हमारी बन रही है मैगी, अच्छा लग रहा है ना, समझो बात को। ये पकौड़े बन रही है हमारी मैगी, और ये पकोड़े भजिया, और ये बन रहे हैं हमारे पकोड़े गर्मा गर्म। इतना ज़्यादा भीग गया, गर्म गर्म खाने में मज़ा आया। चले लेंगे, और यार ये मैगी खाने में तो जो मज़ा है ना ठंड में, वो कहीं नहीं है। तो प्लेट्स भी अरेंज हो रही है, एंड यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स है खाने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस ये बन रही है हमारी अंडे वाली मैगी, बाकी इसके पहले सादी वाली मैगी बनी थी जो हमारे में वेजिटेरियन है। तो ये भैया डाल रहे हैं यहाँ पे मैगी के मसाले गर्मा गर्म, और ये अंडे फेंट के रखे हुए हैं यार डालने के लिए। ये पकौड़े डाल रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। मज़ा आ जाएगा यार गर्मा गर्म खाने में। सो ये भैया डाल रहे हैं हमारा अंडा मैगी के ऊपर गर्मा गर्म, तो बन जाएगी हमारी अंडा मैगी। चाचा जी एंड के ढाबा, चाचा जी, चाचा नहीं, चाचा जी एंड के ढाबा दुकान का नाम है। ये भैया जी है, यहाँ पे इनकी शॉप है। तो क्या नाम है भैया शॉप का? शॉप का नाम है चाचा जी एंड के ढाबा। चाचा जी, तो जब भी आप इधर आओगे सोलंग वैली में यार, सोलंग वैली में, बशीत में, मनाली में जब आओगे तो जल्दी आ जाना दुकान में। फाइनली यार खा पी के हो चुका है हमारा, मैगी हमने खा लिया है, एंड सीधा अभी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी हमारी आ रही है, भैया बैग लेके आ रहे हैं पीछे, गाड़ी में बैठेंगे एंड सीधा होटल में जा रहे हैं, क्योंकि यार अभी थक गए हैं, बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गए, तो ज़्यादा भी भीगना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बीमार हो सकते हैं। तो अभी जस्ट गाड़ी में बैठेंगे, घर पर जाएंगे और रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो घर पर जाके ब्लॉग को एंड करते हैं, आप लोग बने रहो हमारे साथ। फाइनली गाइस घर पर आ चुके हैं हम लोग, एंड रोहतांग पास हमने देख लिया, अटल टनल हमने देख लिया, एंड साथ ही में आते आते सोलांग वैली जो है वो देख लिया, एंड काफ़ी ज़्यादा बरसात भी थी, इसके लिए जितना ज़्यादा हमें घूमना चाहिए था उतना तो हम नहीं घूम पाए, लेकिन जो भी था यार सेटिस्फैक्ट्री था, क्योंकि यार ये जो मौसम है उस टाइम पे हम लोग आए, ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी ना हो पाए, लेकिन एटलीस्ट हम घूम पाए एंड बहुत सारी अच्छी जगह पे एक्सप्लोर करके, खासकर रोहतांग पास में आपने देखा होगा किस प्रकार ठंड लग रही थी हमें, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ब्लॉग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चली होगी और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपने देखी होगी। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी चीज़ें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है हमारे इस ब्लॉग के थ्रू आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा एंटरटेन हमने कोशिश की है, क्योंकि यार एक टीचर कितना कर सकता है, तो कोशिश तो कर रहा हूँ यार आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे और भी ऐसे ही ब्लॉग्स कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेगी। तो अभी तो जर्नी खत्म नहीं हुई है मनाली की, थोड़ी सी चीज़ें बाकी है, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती रहेगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे हमारे अगले ब्लॉग में, और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। तो जल्दी मिलेंगे हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो गुड बाय।